नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, अब तक तो कट ऑफ का जिक्र हो रहा था कि कट ऑफ आपकी कब आएगी, लेकिन अब यहाँ से जो जर्नी आपके स्टार्ट है, ये एक तरीके से पहली सीढ़ी है आपके एडमिशन में। आप जब काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस रहेंगे और उसमें कुछ कुछ प्रोसेस का ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो फिर समझ लीजिए कि आपको जो 3 साल बिताने हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वो उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ बिताने पड़ेंगे। पहली जो हमको सावधानी बरतनी है, उसके विषय में हम बात करते हैं। ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। पिछले साल बहुत सारे बच्चों को बहुत एक तरीके से सब मनमाने तरीके से कॉम्बिनेशन उनको मिल गया था, उसमें उनकी ही गलती थी, ये बात आप ध्यान से समझिए। इस बार हम पहले से आपको आगाह कर दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अब एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक कट ऑफ के विषय में बात हो रही थी, ऑफिशियल कट ऑफ अभी इसी हफ्ते जारी होगी। इसके बाद कट ऑफ के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस आपका होगा। काउंसलिंग के प्रोसेस में सावधानी आपको बरतनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सावधानी जो कॉलेज और कैंपस में आप काउंसलिंग करवाएंगे उसको लेकर बरतनी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। बीएससी और बीएलएलबी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीए के लिए और बीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो प्रेफरेंस आता है उसको कैसे चुनते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस यूट्यूब के चैनल पर, यानी अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के चैनल पर, आपको पूरी प्रवेश परीक्षा की कवरेज नॉन स्टॉप मिलती रहेगी। दूसरी बात यह है कि हम बात करते हैं अब आपके काउंसलिंग के प्रोसेस की। कट ऑफ आपका जारी होगा। जो विद्यार्थी कट ऑफ के ऊपर रहेंगे वो उस दिन कट ऑफ को, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपका कट ऑफ सपोज है 22 को जारी होता है, तो 22 को कट ऑफ आएगा, 23 को आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की काउंसलिंग आपको करनी होगी। काउंसलिंग के बाद फिर आपका वहाँ से काउंसलिंग में ही ज़रूरी यह है कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनते हैं। जो टॉप मोस्ट लिस्ट में होंगे विद्यार्थी, उनको सबसे टॉप कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, यानी कि वो सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन पाएंगे। उनमें जियोग्राफी होगा, मॉडर्न हिस्ट्री होगा, सोशियोलॉजी होगा और साइकोलॉजी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, सारे सब्जेक्ट वहाँ पे आप मन चाहा विषय ले सकते हैं जो एकदम टॉप मोस्ट रैंकर्स विद्यार्थी हैं। लेकिन इस मनचाहे विषय को चुनने में भी बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि देखिए सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो रहा है, सभी जितने सॉफ्टवेयर हैं वो ऑनलाइन लोड कर दिए गए हैं। पिछले साल ये देखा गया था कि जैसे मान लीजिए कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपको 10 विकल्प आएगा, यानी कि 10 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चुन सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो मैंने पहले पोस्ट कर दिया है, मेरे साथी ने उसको बताया आपको, मेरे जूनियर ने, छोटे भाई ने, उसका लिंक मैं पिंड कर दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। तो जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास लिस्ट आएगी, लिस्ट में आपको देखेंगे कौन कौन सा विषय बचा हुआ है, तो उसमें आप चूज़ करेंगे जो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले चाहिए, यानी जो आपकी पहली प्रायोरिटी है उसको आप पहले स्थान पर भरेंगे। उसके बाद फिर और 9 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको भरने रहेंगे। तो विद्यार्थी ये करते हैं कि जैसे उनको चाहिए पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, ये उनको चाहिए, तो ये पहले वो भर देंगे। लेकिन दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां नंबर, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये उल्टा सीधा भर देंगे, कोई भी बीच में जाके डाल देंगे। तो ये तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आप गलती करते हैं। अच्छा, अब सुनिए, मान लीजिए कि आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चुना वो किसी और विद्यार्थी को मिल गया, यानी कि आपसे भी बेहतर नंबर बच्चे पाए रहेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। मान लीजिए कि आपका जो है नंबर है 700 आपने नंबर पाया है, 700 के ऊपर और भी विद्यार्थी रहेंगे। वो विद्यार्थी अगर उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फिलअप कर देंगे, यानी कि वो आपसे पहले उसको चूज़ किए रहेंगे, तो वो भर जाएगा। एक सीमित, सबका रिजर्वेशन अलग अलग होता है ना, UR का 40% रहेगा, EWS का 10% रिजर्व रहेगा, OBC का 27% रिजर्व रहेगा, SC का 15% और ST का भी रिजर्व रहेगा। तो ये रिजर्वेशन प्रणाली लागू होने के बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी रिजर्व रहता है। तो अगर मान लीजिए कि वहाँ पे वो कॉम्बिनेशन भर जाता है, तो आपको तुरंत वही सॉफ्टवेयर दूसरे पे जाएगा। दूसरा भी अगर मान लीजिए भर जाता है, तो आपने डिसऑर्डर में भरा है, पहला ही आपने सीरियस भरा है, दूसरा आपने सीरियस भरा है, तीसरा भरा है, लेकिन चौथा, पाँचवा, छठवां आपने उल्टा सीधा भर दिया है, उसके बाद ऑटोमेटिक रहती है। मान लीजिए कि पहला उसमें शो कर रहा है कि भर चुका है, दूसरा भर चुका है, आपको तुरंत तीसरा अलॉट हो जाएगा जो खाली रहेगा। यहीं पर आपका मामला ख़राब होता है। ये कॉम्बिनेशन भरने में आप बहुत बड़ी गलती करते हैं।
दूसरी बात यह है कि ऐसे बीएससी में भी होता है, बीएससी में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री डिफेंस, मैथ केमिस्ट्री साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसको भी आप अच्छे से भरिएगा, उसमें 5-6 कॉम्बिनेशन आपको बीएससी भरने होंगे, उसमें भी आप डिसऑर्डर करें, मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भर गया तो आपको अलॉट कर देंगे, मतलब यही सारी चीज़ें हैं। तो ये ऑटोमेटिक रहता है, इसमें विश्वविद्यालय भी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कंपनी करेगी, जो कंपनी में जो सॉफ्टवेयर डला रहेगा वो करेगी। अच्छा, ये बात बताने वाला आपको कोई रहता भी नहीं है, आप तो देखिए आप भी अनजान रहेंगे, तो मैं आपको पहले से ही ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि पिछले साल एक बहुत बड़े स्तर पर हमने विद्यार्थियों को देखा था कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से अपने संतुष्ट ही नहीं थे। और संतुष्ट क्यों नहीं थे, क्योंकि यही हुआ था उनके साथ, पहला दूसरा तीसरा अच्छे से भरे, चौथा पांचवा छठवां ऐसे कोई भी डाल दिए, और कोई भी किसी को तबला मिल गया, किसी को अरबिक मिल गया, किसी को जो है एजुकेशन कभी ज़िंदगी में पढ़ाई था वो मिल गया, अलॉट हो गया, किसी को मैथमेटिक्स से अलॉट हो गया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी थोड़ी सी गलती थी, और इसके लिए विश्वविद्यालय को इंस्ट्रक्शन भी निकालना था, लेकिन पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था, तब भी बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने छोड़ा भी था और जाके कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था, कहीं और लिया था, तब तक एडमिशन चल रहे थे कॉलेज के। तो बेहतर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमें अच्छे से इसको चूज़ कर लेना है। देखिए फॉर्म को भरते समय अपने साथ किसी विशेषज्ञ को रखिएगा, देखिए आप अभी एक अनजान छात्र हैं और बहुत सारी चीज़ों को नॉलेज आपको नहीं है, तो कोई भी विषय खराब नहीं होता है, लेकिन हम कभी कभी ये ऐसा होता है कि हमको दो विषय बहुत अच्छे मिल गया, एक विषय हमारी पसंद का नहीं मिला, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट, देखिए हर एक सब्जेक्ट का सिविल में अपने आप में बराबर रोल है, सिविल सर्विसेज में आपको पूरा मल्टी डायमेंशन तरीके से सारी चीज़ों को कवर करना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ खराब होती है कोई चीज़ नहीं, लेकिन हाँ आपके पास दो ऐसे सब्जेक्ट हो जो आपके फुल कमांड सब्जेक्ट हो, वो अच्छे सब्जेक्ट हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस वाली सावधानी बहुत बरतनी पड़ेगी। ये आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने रजिस्ट्रेशन में गलतियाँ की हैं, सारे बच्चों ने गलती नहीं की है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों ने गलती तो की ही है, और गलती हो ही जाती है, स्वाभाविक है, वो ह्यूमन नेचर है गलती होना, साइबर कैफ़े वाला भांग खा के बैठा रहता है वो गलती कर देता है, आप सही रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जा सकती हैं। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भरने में आप बहुत सावधानी बरतिएगा, ऐसा बीएससी में, ऐसा बीए में है, तो ऐसे कॉलेज की भी काउंसलिंग होगी। तो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक लॉक का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे लॉक हो जाएगा वो, तो आप ध्यान से जो है इसको देखिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिस्ट मैंने दिखा दी है, सीएमपी के भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, सारी जगह वही कॉम्बिनेशन रहता है, बहुत फ़र्क नहीं रहता, किसी किसी कॉलेज में वो विषय नहीं रहता तो वहाँ पे गायब हो जाता है, बाकी विश्वविद्यालय में सारे सब्जेक्ट की मौजूदगी है, और आप अच्छे से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये बहुत ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऑर्डर को आप ध्यान से भरिएगा, और 10 टॉप मोस्ट कॉम्बिनेशन की आपको जो भी अलॉट हो जाए तो उसमें आपकी कोई भी मतलब गिला शिकवा ना रहे कि हमको ये नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रेफरेंस को अपने काउंसलिंग में भरिएगा। ये प्रोसेस तब होगा जब आप कट ऑफ में आएंगे, कट ऑफ के बाद आपको काउंसलिंग करनी होगी। ये बहुत बड़ा वीडियो था एक तरीके से, इसके बाद भी हम अलग अलग सावधानी कहाँ कहाँ बरतें, ये वीडियो हम आपको लगातार जारी रखेंगे। साथ ही साथ देखिए अभी सेफ स्कोर का वीडियो आएगा, बाकी आप लोग जुड़े रहिए, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बेहतर होंगे। धन्यवाद।